हेलो एंड वेलकम टू द सरदाना एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ एनडीए ज्योग्राफी, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स ऑन अर्थ विच are drawn on the basis of angle carved on the surface, carved on the center of earth. So from the center of earth, suppose that equator is the 0 degree latitude, it is the base, and from that base we have to create a 30 degree angle or a 23 and a half degree angle, then through that projector we will create a 23 and a half degree angle, and then we will draw a line. That line will touch the surface of earth where 23 and a half degree line would be able to draw. So that is the system through which latitudes and longitudes are developed. These are the latitudes. Latitudes are also known as parallels. ये parallel होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ये these lines can never touch, can never overlap each other. ये ना तो intersect करती हैं, ना overlap करती हैं, ना touch करती हैं। ये एक दूसरे के parallel में ही चलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें parallels भी कहा जाता है। हमारी अर्थ का शेप जो है ये geoid शेप का है, और geoid शेप होने की वजह से अर्थ इज flattened ऑन the poles एंड expanded ऑन equator। equator पर फैली हुई हैं और poles पर flattened हैं, जिसकी वजह से जो लैटिट्यूड्स, दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है, ये दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस पोलर रीजन में जाकर के, पोलर एरिया में जाकर के बढ़ जाता है, इक्वेटर पर कम होता है। इस वजह से अलग अलग जगहों पर दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस वेरी कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए, इन सबके डिस्टेंस को कवर करके एवरेज निकाला जाए, तो एवरेज आता है दो लैटिट्यूड्स के बीच का 111 किलोमीटर्स। अब देखिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अगर कोई एंगल नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में शो किया जाए, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में शो किया जाए, इट विल बी कॉल्ड एज लैटिट्यूड। अगर कोई एंगल ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में शो किया जाए, तो इसे कहा जाएगा लॉन्गिट्यूड। जैसे यहां पर 28 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट, ये न्यू दिल्ली का एंगल है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। यहां पर देखिए नॉर्थ है, 28 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब यह है लैटिट्यूड। 77 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब यह है लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉर्थ साउथ से लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट से लॉन्गिट्यूड। अब यहां पर देखते हैं, यह है इंडिया, और इंडिया में यहां पर है न्यू दिल्ली। तो 28 डिग्री नॉर्थ, तो यहां पर इक्वेटर है 23 एंड हाफ डिग्री पर, सॉरी, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा 23 एंड हाफ डिग्री पर। तो 23 एंड हाफ डिग्री से थोड़ा सा ही ऊपर होगा, तो यहां पर थोड़ा सा ऊपर है, 28 डिग्री आ गया। अब इंडिया की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, जहां से इंडिया का टाइम सेट किया जाता है, वो है 82 एंड हाफ डिग्री। तो 82 एंड हाफ डिग्री अगर यहां से जा रही है, तो उससे पहले ही 77 आएगा, तो यहां पर 77 आता है यहां। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट किसी भी जगह का। ये जो लाइंस होती हैं,
ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल। अब पोल्स पर इनकी डिस्टेंस वेरी करती है, बहुत ज़्यादा होती है इक्वेटर पर, कम हो जाती है। इक्वेटर पर कम हो जाने की वजह से जब इसका एवरेज निकाला जाता है तो एवरेज आता है 69 माइल्स या फिर 111 किलोमीटर। तो ये 69 माइल्स या फिर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है दो लैटिट्यूड्स के बीच की। जैसे यहाँ पर ये 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री से 1 डिग्री हम नॉर्थ में जाएंगे तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये होगी 111 किलोमीटर। यहां पर ये अर्थ है। अब अर्थ के सेंटर से एंगल लिया गया है, जो चीज हमने स्टार्टिंग में समझाई थी, अर्थ के सेंटर से एंगल लिया गया है। ये 0 डिग्री तो लाइन है ही इक्वेटर की। अब इस 0 डिग्री लाइन से यहां ये 0 डिग्री की लाइन को मिलाया गया सेंटर से, तो यहां ये बेस तैयार हो गया। अब इस बेस से एक जगह है न्यू ऑर्लियंस जो 30 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री वेस्ट में है, 30 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 30 डिग्री। तो यहां से 30 डिग्री का एंगल क्रिएट किया गया और इस 30 डिग्री के एंगल को यहां पर लाइन ड्रॉ की गई, तो ये अर्थ पर यहां मिला। अब 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी निकालना है, 90 डिग्री वेस्ट में है तो इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड में यहां पर गए और देखा 0 डिग्री तक कि ये 30 डिग्री का पॉइंट कहां पर क्रॉस किया, तो यहां पर क्रॉस किया है, तो इसलिए यहां पर की लोकेशन होगी न्यू ऑर्लियंस की। तो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है अर्थ के सरफेस पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, ये दोनों ही सेंटर से क्रिएट किए जाते हैं, तो सेंटर से ही इनका एंगल ड्रॉ किया जाता है। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो डिग्रीज को मेजर करने के लिए सेंटर ऑफ द अर्थ का यूज किया जाता है और इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग अर्थ सरफेस पर। एज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स द लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल्स इज अ लिटिल लॉन्गर देन दैट ऑफ द इक्वेटर। तो ये फ्लैटन है पोल्स पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लीनियर डिस्टेंस होगी ये थोड़ा सा ज़्यादा होगी इक्वेटर के कंपैरिजन में। यहाँ पर देखिए ये पोल्स हैं, पोल्स पर अराउंड जो दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस आती है ये 69.4 माइल्स आती है, 69.4 माइल्स पोल्स पर, और इक्वेटर पर ये 68.7 माइल्स आती है, 68.7 माइल्स। तो अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए तब एवरेज आएगा 69 माइल्स। 1 माइल इज इक्वल टू 1.607 किलोमीटर। तो जब 1.607 किलोमीटर से 69 माइल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 111 किलोमीटर। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर आती है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं, जैसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरेलल है 0 डिग्री इक्वेटर। ये है 0 डिग्री इक्वेटर, इसे ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं बिकॉज इट डिवाइड्स अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स, इट डिवाइड्स अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है इक्वली, इसीलिए इसे ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ, ये पृथ्वी पर सबसे लंबा लैटिट्यूड है। इससे नॉर्थ साइड जाएं या फिर साउथ में जाएं
23.5 डिग्री पर एक लाइन आती है, एक लैटिट्यूड आता है, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। साउदर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड आफ्टर इक्वेटर। तो ये दो इक्वेटर के बाद दूसरे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर इससे ऊपर 66.5 डिग्री पर जाने पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल आता है। ये आर्कटिक सर्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री पर जो पैरेलल आता है उसे कहते हैं एंटार्कटिक सर्किल। तो एंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ में आता है और 90 डिग्री पर नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, आर्कटिक रीजन। 90 डिग्री साउथ पर साउथ पोल में अंटार्कटिक है। तो आर्कटिक नॉर्थ पोल को कहते हैं, अंटार्कटिक साउथ पोल को कहा जाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं ही हैं। इसके अलावा एक और लैटिट्यूड है जिसे कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है? तो देखिए यहाँ ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ है, इससे थोड़ा सा और ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जाते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जो बीच का रीजन है, ये वाला जो रीजन है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का रीजन, तो ये रीजन जो है, यहाँ जो वेव्स चलती हैं, इन वेव्स को, इन विंड्स को कहा जाता है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स आर परमानेंट विंड्स, ये हमेशा ब्लो करती रहती हैं, कंटिन्यूस ब्लोइंग है और बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट और डिस्टर्बिंग होती हैं, बहुत तेज़ी से चलने वाली हवाएं हैं। तो ट्रेड विंड्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में जब वॉयजर्स जो थे, जब वॉयज के लिए निकलते थे, तो ये मेन काम इनका ट्रेडिंग का होता था। जैसे वास्को डिगामा जब इंडिया में आया तो वास्को डिगामा इंडिया में काली मिर्च का व्यापार करने आया था। और हर ट्रैवलर, चाहे वो मैगलन हो, चाहे वो कोई कोलंबस हो, सबका यही काम था। तो ट्रेडर्स थे और ट्रेडिंग करने के लिए कमोडिटीज़ को शिप पर रख करके, बोट पर रख करके लाया ले जाया जाते थे। तो क्या होता था, अब समय इंजन विंजन तो थे नहीं, तो या तो हाथ से मेहनत करके बोट को सेल करें, या फिर हवा जहाँ जहाँ बोट को ले जाए, बड़े से तिरपाल लगाते थे ये लोग कपड़े के और वहाँ से हवा ब्लो होती थी और फिर ये सेल करते थे अपने शिप को। तो ये सिस्टम था। तो हवा जो होती थी ये कहलाती थी ट्रेड विंड, क्योंकि ये व्यापार करने के लिए ही यूज़ की जाती थी, तो इसीलिए इसे ट्रेड विंड्स कहा जाता था। अब इस ट्रेड विंड्स का जो एरिया है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच का एरिया है। यहाँ पर जो विंड्स चलती हैं बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। यहाँ जब भी कोई शिप फंस जाता था, अब देखिए ट्रेडर्स जो अपने शिप को ला रहे हैं, उस शिप में क्या क्या होता है, एक तो ट्रेडिंग करने वाली कमोडिटी होती है, एक उनका खाने पीने का सामान होता है, और एक होते हैं घोड़े। तो घोड़े वो इसलिए ले जाते थे क्योंकि अब जैसे कहीं उतरे, जैसे वास्को डिगामा पोर्चुगल से इंडिया आया और कैलिकट में उतरा, तो अब कैलिकट में कोस्ट पे उतर करके वो मार्केट जाएगा, तो मार्केट क्या पैदल पैदल अब जाएगा, वहाँ से भी तो उसे जाने के लिए कुछ कन्वेंस चाहिए, तो वो कन्वेंस उस टाइम घोड़े ही हुआ करते थे। तो घोड़े भी रख करके अपने साथ ये लोग शिप में लाते थे। तो अब अगर इनकी बोट या शिप पानी में बीच में फंस जाए और तूफान उफान आ जाया करता था, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलती हैं ये ट्रेड विंड्स, तो इनकी जो शिप थी ये डिसबैलेंस होने लगती थी, तो डूबने का खतरा होता था कि अगर इतना भार है कहीं ये डूब ना जाए। तो भार को हल्का करने के लिए अब क्या करें, खुद कूदेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, या फिर
खाने पीने का सामान फेंक दें तो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, अगर जो ट्रेडिंग करने के लिए कमोडिटी ले जा रहे हैं वो फेंक दें तो ट्रेडिंग किस चीज़ की करेंगे, लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो एक ही चीज़ बचती थी, घोड़े। तो घोड़े फेंक दिया करते थे। तो घोड़े फेंके गए बहुत सारे इस हॉर्स लैटिट्यूड में, इस 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। तो इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। तो इसे हॉर्स लैटिट्यूड या हॉर्स शू लैटिट्यूड कहा जाता है 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के एरिया को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। जैसे हम लोगों ने इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, एंटार्कटिक सर्किल, ये सब डिस्कस किया, तो वैसे ही हॉर्स लैटिट्यूड या हॉर्स शू लैटिट्यूड भी एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स का फंक्शन क्या है, क्यों हम लोग लैटिट्यूड्स डिस्कस करते हैं, क्या रीज़न है लैटिट्यूड्स को बनाने का, तो चलिए इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका मेन फंक्शन है हीट जोन को आइडेंटिफाई करना अर्थ पर। अर्थ सरफेस पर हीट जोन को आइडेंटिफाई करता है लैटिट्यूड। अब जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि जो सन की लोकेशन है, सन ऑलमोस्ट हमारी अर्थ के, ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ। तो अर्थ की लोकेशन ज़्यादातर इक्वेटर पर रहती है या फिर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की या कैप्रिकॉर्न की ओर ही मूव करता है, इससे बियॉन्ड नहीं जाता अर्थ, इससे बियॉन्ड नहीं जाता सन। तो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी है तो भी उसकी सनलाइट इक्वेटर पर पड़ेगी, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी है तो भी उसकी सनलाइट इक्वेटर पर पड़ेगी। तो इक्वेटर पर सनलाइट पड़ना फिक्स है। इसी वजह से इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिक्स से लेकर के इक्वेटर के बीच का जो पूरा एरिया है, ये सबसे ज़्यादा गर्म एरिया रहता है, सबसे ज़्यादा वार्म एरिया रहता है। इसीलिए इस जोन को कहते हैं टॉरिड जोन। ये जोन कहलाता है टॉरिड जोन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट गेन करता है ये एरिया। और इक्वेटोरियल रीजन में जो लोग रहते हैं वो इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ब्लैक स्किन्ड होते हैं, काले काले से होते हैं। अब क्षमा करिएगा, मतलब काले और गोरे का यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन बताने का मेरा मेन मोटिव यह है कि वहाँ पर स्किन का कलर भी डार्क हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप लोग अफ्रीका में देखिए, जो निग्रोइड्स लोग हैं, चाहे वो मसाई ट्राइब के हों, ये सारे के सारे सब ब्लैक स्किन्ड होते हैं। तो ये टॉरिड जोन कहलाता है पूरा का पूरा एरिया, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया। अब टॉरिड जोन से ऊपर नेक्स्ट आता है, यहां पर देखिए, ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, ये साउथ पोल है 90 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पूरा एरिया ये टॉरिड जोन है, इक्वेटोरियल रीजन पूरा टॉरिड जोन है। अब आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री पर बनता है, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री पर बनता है। तो नॉर्थ पोल से लेकर के आर्कटिक सर्किल, साउथ पोल से लेकर के अंटार्कटिक सर्किल का जो रीजन है, ये हमेशा बर्फ ही रहता है, हमेशा बर्फ बना रहता है, जमा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पहुँच जाता है। तो इसीलिए इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं, और यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती, क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है 23.5 डिग्री पर, इस टिल्ट की वजह से सनलाइट अर्थ के पोल्स पर नहीं पहुँच पाती, और इसी वजह से 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है यहाँ पर डे टाइम का, 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है यहाँ पर नाइट टाइम का, मतलब 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है यहाँ पर नॉर्थ पोल पर, मतलब दोनों ही पोल्स पर आप मान के चलिए, लेकिन नॉर्थ पोल पर लोग रहते हैं, कॉन्टिनेंट है इस वजह से।
इक्वेटोरियल रीजन में गर्मी रहती है और गर्मी रहने की वजह से वहाँ पर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है और लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है, लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होती है। तो उस लो प्रेशर बेल्ट को कवर करने के लिए हाई प्रेशर बेल्ट से एयर वहाँ पर आती है और अपने साथ बादलों को भी लाती है, क्लाउड्स को भी लाती है। इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में रोज़ बारिश होती है। ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं, इस इक्वेटर पर जो कंट्रीज हैं यहाँ पर रोज़ बारिश होती है और इसे कहते हैं 4 o'clock रेन। जब ये लोग 2 बजते हैं और 2 बजे अगर घर से निकलते हैं तो अपने साथ छाता लेकर के ही निकलते हैं, रेनकोट लेकर के ही निकलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब बारिश का टाइम हो गया है, अब बारिश होगी। तो ये एक फीचर है इक्वेटोरियल कंट्रीज़ का। इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में 4 o'clock रेन होती है और उसकी वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है, इस वेजिटेशन की पत्तियाँ भी, ट्रीज़ की पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीन होती हैं और इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट इन्हीं इक्वेटोरियल रीजन में ही फॉर्म होते हैं। तो अब फ्रिजिड जोन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, टॉरिड जोन डिस्कस कर लिया, अब बचा है टेम्परेट जोन। तो जो रीजन आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का है, 66 एंड हाफ डिग्री से लेकर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो रीजन है, इसे कहते हैं टेम्परेट रीजन। शीतोष्ण मतलब यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, ठंडक भी पड़ती है। तो इसीलिए ये वाला रीजन नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये वाला रीजन कहलाता है साउथ टेम्परेट जोन। तो ये 3 टाइप के टेम्परेट जोन बनाए गए हैं अर्थ पर ऑन द प्रेजेंस ऑफ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग ये हीट जोन इंडिया में, वर्ल्ड में डेवलप किए गए हैं लैटिट्यूड के पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये है फ्रिजिड जोन नॉर्थ पोल से लेकर के आर्कटिक सर्किल तक, फिर आर्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये टेम्परेट जोन, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये टॉरिड जोन, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल तक फिर से टेम्परेट जोन और अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक फ्रिजिड जोन। तो टोटल 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है और ये जो 6 जोन्स हैं नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में हैं, लेकिन हैं स्पेसिफिकली 3, फ्रिजिड, टेम्परेट एंड टॉरिड। अब इसे नॉर्थ टॉरिड जोन, साउथ टॉरिड जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन में डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन अर्थ कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, तो देखिए ये है 0 degree इक्वेटर, इससे हम जब ऊपर जाएंगे 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, ये 23.5 degree, फिर 30 degree, फिर 40 degree, 50 degree, 60 degree, ऐसे करते 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 90 degree पर जब यहाँ पहुँचेंगे, फिर 90 degree पर हम यहाँ भी पहुँचेंगे। तो 90 latitudes यहाँ, 90 latitudes यहाँ, तो कितने हो गए 180 प्लस ये 0 degree वाला इक्वेटर भी तो है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं 181 लैटिट्यूड्स अर्थ सरफेस पर ड्रॉ किए गए हैं। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं और हर लॉन्गिट्यूड सारे लॉन्गिट्यूड्स को इंटरसेक्ट करता है, ओवरलैप करता है। ये इसीलिए पैरेलल्स नहीं कहे जाते, ये सर्कल्स कहे जाते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं इसीलिए इन्हें सर्कल्स कहा जाता है, ये पैरेलल्स नहीं है। और अर्थ सरफेस पर कितने लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं? तो सबसे पहला लॉन्गिट्यूड है ये 0 degree लॉन्गिट्यूड,
जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद यहां पर आता है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री के भी आगे 91 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 150 डिग्री, 180 डिग्री आता है। तो यही जीरो डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जब जाएंगे अर्थ की इस दूसरी साइड पर, दूसरे हेमिस्फीयर पर, तो यही लाइन, यही सर्किल 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और 180 डिग्री के बाद फिर ये यहां से, जैसे देखिए यहां पर 30 डिग्री है, यहां पर 30 डिग्री है, यहां पर 60 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, तो ऐसे ही सेम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री से ज्यादा का नहीं होता, तो इस वजह से 180 इस हेमिस्फीयर में, 180 इस हेमिस्फीयर में, तो टोटल 360 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। 360 लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड की, 181 लाइंस हैं लैटिट्यूड्स की। तो सबसे बेसिक जो लॉन्गिट्यूड है वो कहलाता है जीरो डिग्री। जीरो डिग्री को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है जीरो डिग्री लाइन को। ये है जीरो डिग्री लाइन, ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है। इसे प्राइम मेरिडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि लंदन में, इंग्लैंड में, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच। ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है। उस ऑब्जर्वेटरी ने 1884 में ये देखा कि पूरे वर्ल्ड का टाइम हम सेट करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का टाइम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो एक बेस ले ले लॉन्गिट्यूड का और उससे ही पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट किया जाए। तो वो बेस लिया उसी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन से। 1884 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने ग्रीनविच में ये बेस बनाया, तो ये नाम दे दिया इसे जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो ये जहां से ही जीरो डिग्री स्टार्ट होती है, इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अब ये ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, इसे GMT भी कहा जाता है। ये जो GMT है या प्राइम मेरिडियन है, ये जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं। 1884 से लेकर के आज तक यहाँ पर ही पूरे वर्ल्ड का टाइम फिक्स किया जाता है, और इसी के कंपैरिजन में अदर लैटिट्यूड्स का टाइम भी निकाला जाता है। तो जैसे प्राइम मेरिडियन के अगर ईस्ट में जाते हैं, ईस्ट वर्ल्ड जाते हैं, तो हमेशा टाइम ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगर प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वर्ल्ड जाते हैं तो टाइम हमेशा रिड्यूस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये एक कॉमन प्रिंसिपल है, इसे आप याद कर लीजिए। इसका ऐसे ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, और जब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होने की वजह से जो सनराइज होता है ये ईस्ट में होता है, और इसीलिए प्राइम मेरिडियन के इस साइड ईस्ट होगा, यहां पर ईस्ट होगा। तो जब ईस्ट होगा तो यहां पर सनराइज ऑलरेडी हो चुका होगा, तो इस वजह से टाइम को ऐड करना पड़ेगा। यहां पर जाने पर टाइम ऐड करते हैं, वेस्ट वर्ल्ड जाने पर टाइम रिड्यूस करते हैं। एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बिकम शॉर्टर पोलवर्ड, सो द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड विच कन्वर्ज एट द पोल्स एनक्लोज अ नैरोअर स्पेस। तो यहां पर देखिए, यहां बहुत ही छोटा सा स्पेस आपको दिखेगा, जबकि यहां इतना बड़ा स्पेस आपको दिख रहा है। इक्वेटर पर स्पेस एरिया इतना बड़ा है, पोल्स पर इतना बड़ा है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहां जो है पोल्स जियोइड शेप पर होने की वजह से फ्लैटन है,
तो फ्लैटन होने की वजह से यहाँ पर एरिया जो बनता है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का, ये कम बनता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एरिया यहाँ पर कितना कम एरिया है, और वही एरिया इक्वेटर पर इतना बड़ा एरिया हो जाता है, इतना बड़ा एरिया, ये देखिए। तो ये अंतर है, और ये अंतर इसी वजह से होता है। दे हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे डिटरमाइन लोकल टाइम इन रिलेशन टू GMT और ग्रीनविच मीन टाइम, विच इज समटाइम्स रेफर टू एज वर्ल्ड टाइम। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे लैटिट्यूड्स का काम होता है हीट जोन को डिफाइन करना, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स का काम होता है टाइम जोन को डिफाइन करना। तो पूरे वर्ल्ड का टाइम यहीं से ग्रीनविच मीन टाइम से कैलकुलेट किया जाता है। इसके कंपैरिजन में अदर कंट्रीज अदर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स का टाइम निकाला जाता है। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है, और अपनी एक्सिस पर रोटेट होते होने में उसे पूरा रोटेशन करने में 24 आवर्स लगते हैं, और पूरा रोटेशन हो जाएगा तो वन सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे। तो 360 डिग्रीज को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। तो वन डिग्री को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, यानी कि 15 आवर। तो 15 घंटे में जो है, सॉरी 15 डिग्री जो है, यहाँ पर 360 डिग्री है 24 आवर में, तो 1 डिग्री कितने आवर में जाएगा? नहीं, एक सेकेंड, देखिए 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेशन होता है, तो 1 आवर में कितने डिग्री का रोटेशन होगा? 360 डिवाइडेड बाय 24, तो 15 डिग्री हो गया। 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट होगा अर्थ, और 1 आवर में अगर 15 डिग्री रोटेट हो रहा है तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट। 15 डिग्री रोटेट होने में अर्थ को 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 4 मिनट। तो ये 1 डिग्री में 4 मिनट रोटेट होती है अर्थ, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगते हैं अर्थ को, जबकि 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट हो जाती है अर्थ अपनी सरफेस पर। तो ये जो डिग्री और आवर या मिनट का टाइम है, ये इसी से हम लोग पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ईस्ट वर्ल्ड जाने पर टाइम ऐड होता है, वेस्ट वर्ल्ड जाने पर टाइम रिड्यूस होता है। तो अब जैसे अगर कोई कंट्री जीएमटी से 75 डिग्री ईस्ट में है, जीएमटी पर अगर दोपहर का 12 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा? तो इसको निकालने के लिए 75 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 75 डिग्री घूमने में 75 × 4 मिनट लगेंगे, तो 75 × 4 होता है 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब है 5 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ, ये 5 आवर्स ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ईस्ट है। तो 12 + 5, यानी कि 12 बज रहा है दोपहर का, तो 12 से आगे 5 बज रहा होगा शाम का, तो यहाँ पर 5 PM का टाइम हो रहा होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है टाइम को किसी भी लोकेशन पर। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि GMT पर 12 बज रहा है दोपहर का, तो 30 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा? 30 डिग्री वेस्ट में हम लोगों को पता है 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में 30 डिग्री घूमने में 1 आवर, तो 30 डिग्री घूमने में
टू आवर, तो ये आ जाएगा टू आवर। अब ये जो टू आवर हैं ये वेस्ट के हैं, 12 बज रहा है जीएमटी पर, तो यहाँ वेस्ट में रिड्यूस होता है, तो इससे 12 से 2 घंटे पहले यानी कि 10 बज रहे होंगे सुबह के 30 डिग्री वेस्ट पर। तो इस तरीके से लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का हम लोग ने फंक्शन देखा। लैटिट्यूड्स का काम है हीट जोन्स को डिफाइन करना, लॉन्गिट्यूड्स का काम है टाइम जोन्स को डिफाइन करना। तो पूरे वर्ल्ड का टाइम लॉन्गिट्यूड से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये है देखिए, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये यहाँ यूरोप में इंग्लैंड में होकर के गुजरता है और फिर अफ्रीका की भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये होकर के गुजरता है। हमारी इंडिया का जो टाइम है ये यहाँ एक लाइन है 90 डिग्री से पहले 82.5 डिग्री ईस्ट पर, यहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट पर। तो जो यहाँ पर टाइम हो रहा होगा उससे बहुत ज़्यादा अंतर होगा। यहाँ पर हमारा इंडिया जो है ये इक्वेटर है, इक्वेटर से थोड़ा सा ही ऊपर है, ये 8 डिग्री 4 मिनट, जो इंडिया का साउदर्न पॉइंट है यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट पर स्टार्ट होता है नॉर्थ में, और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट पर फिनिश होता है जम्मू कश्मीर में। तो अगर इंडिया के लोकेशन को हम लोग देखें लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वाइज, देखिए ये है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जिसे कहते हैं कन्याकुमारी, ये है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जिसे कहा जाता है इंदिरा कोल, और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है सर क्रीक, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है नामचा बरवा। तो ये वेस्टर्न मोस्ट, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट्स हैं। अब जब नॉर्थ को साउथ से मिलाया जाता है तो टोटल डिस्टेंस बनती है 3214 किलोमीटर्स, और जब सरक्रीक को नामचा बरवा से मिलाया जाता है तो टोटल डिस्टेंस बनती है 2933 किलोमीटर्स की। और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस देखी जाए तो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कश्मीर से कन्याकुमारी तक 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ऐसे ही गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सरक्रीक से नामचा बरवाज तक 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। यहाँ पर ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इस डॉटेड लाइन को कहा जाता है स्टैंडर्ड मरीडियन। पूरे इंडिया का टाइम इसी डॉटेड लाइन से 82.5 डिग्री ईस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है, और ये जो लाइन है इस लाइन में नेपाल से होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक जाती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जगह है नैनी, ये पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। तो इंडिया का टाइम यहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसीलिए इसे स्टैंडर्ड मरीडियन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स, पूरे वर्ल्ड का टाइम अलग अलग टाइम जोन से कैलकुलेट किया जाता है, हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, और इसी वजह से हर कंट्री अपने उसी टाइम जोन को फॉलो करती है। जैसे अगर आप इंडिया से फ्लाई करके अमेरिका जाएं तो आपको अपनी घड़ी को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का टाइम अलग होगा, डिफरेंट होगा, इंडिया का टाइम अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि इंडिया में उस समय पहले सनराइज हो चुका होगा, अमेरिका में सबसे बाद में सनराइज होता है। मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मरीडियन ऑफ देयर कंट्रीज। कैनेडा और अमेरिका जो हैं ये बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, अगर पूरे वर्ल्ड के
एरिया वाइज हम लोग देखें तो सबसे बड़ी कंट्री है रशिया फर्स्ट नंबर पर, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर नंबर आता है इंडिया का। तो इंडिया इज एट सेवेंथ पोजीशन इन दी एरिया वाइज रैंक। तो एरिया वाइज रैंक अगर देखी जाए तो इंडिया की सेवेंथ रैंक है। इससे बड़े छह और कंट्रीज हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा है रशिया, फिर सेकंड नंबर पर कनाडा, थर्ड नंबर पर चाइना, फोर्थ नंबर पर यूएसए, फिफ्थ नंबर पर ब्राज़ील और सिक्स्थ नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, यूएसए, चाइना और रशिया ये इतने बड़े कंट्रीज़ हैं कि यहाँ पर एक टाइम जोन से काम नहीं चल पाता, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन्स बनाए गए हैं, मल्टीपल टाइम जोन्स बनाए गए हैं। जैसे बात की जाए कनाडा और यूएसए की, तो कनाडा और यूएसए में फाइव टाइम जोन्स हैं, फाइव टाइम जोन्स। और ये जो फाइव टाइम जोन्स हैं इनके नाम हैं अटलांटिक, ईस्टर्न टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन, माउंटेन टाइम जोन और पैसिफिक टाइम जोन्स। तो ये फाइव टाइम जोन्स बनाए गए हैं कनाडा और यूएसए में, जबकि सबसे ज़्यादा टाइम जोन वाली कंट्री है रशिया। रशिया 1991 से पहले यूएसएसआर के नाम से जानी जाती थी, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया। तो ये जो यूएसएसआर था यहाँ पर 11 टाइम जोन्स हुआ करते थे। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पर 9 टाइम जोन्स हो गए हैं। ये टाइम जोन्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 टाइम जोन्स हैं पूरे रशिया में। इंडिया में एक ही टाइम जोन है, ये जो रेड लाइन आप इंडिया में मैप में देख पा रहे हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, ये पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड करती है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। तो सरक्रीक से नामचा बरवा तक लगभग 30 डिग्री का 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। और ऐसे ही लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट भी आप देख लो, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। तो ये दोनों ही 30-30 डिग्री के आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का जो स्ट्रेच है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो देखिए 15 डिग्री घूमने में अर्थ को 1 आवर लगते हैं, तो 30 डिग्री घूमने में अर्थ को 2 आवर लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज होगा गुजरात के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शाम होगी तो अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाएगी, गुजरात में 2 घंटे बाद में होगी। और इसी वजह से अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल टाइम जो होता है वर्किंग का, ये सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर है, तो 10 तो बजे अरुणाचल में 8 बजे ही 10 बज जाएंगे, सनराइज पहले हो जाएगा और सनसेट भी पहले हो जाएगा। तो जब सनसेट हो जाएगा तो वो काम की एफिशिएंसी घट जाएगी, लोग काम नहीं करेंगे रात में अंधेरे में, और इस वजह से वहाँ पर काम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए बात चल रही है कि इंडिया में भी 2 टाइम जोन्स बनाए जाने चाहिए। और ये वाली जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं रेड वाली 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, यहाँ पर एक और
टाइम जोन डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इंडिया में पहले भी यहाँ पर टाइम जोन हुआ करता था। इस टाइम जोन को कहते थे चाय बागान टाइम। और अब मांग ये उठ रही है, आसाम के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये बात उठाई थी कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फुल एफिशिएंसी, फुल कैपेसिटी डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक दूसरा टाइम जोन को डेवलप करना चाहिए 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर, जिसे चाय बागान टाइम नाम दिया जाता है। अब इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यही जीरो डिग्री वाली जो लाइन है, जब ये अर्थ के अपोजिट साइड में जाती है तो अपोजिट साइड में ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बन जाती है। और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बनेगा, मतलब जीरो डिग्री से 180 डिग्री का अगर हम डिफरेंस देखें, तो 180 डिग्री को 180 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8 चौक 32 और ये 7, तो ये हो जाएगा 720 मिनट्स। और ये 720 मिनट्स को अगर हम आवर में कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 12 आवर। तो ये 12 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा टाइम का 180 डिग्री पर। मतलब 0 डिग्री पर अगर सुबह के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो इतना डिफरेंस होता है 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेट लाइन पर। और इसीलिए इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पूरी दुनिया की जो डेट है वो यहीं से डिसाइड की जाती है। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये सीधी रेखा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जिगजैग लाइन है। ये देखिए, ये इस तरीके से जिगजैग बनाई गई है। और यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन पर वेस्ट से ईस्ट में जाने पर, वेस्ट से ईस्ट में जाने पर लॉस ऑफ डे होता है, ईस्ट से वेस्ट में जाने पर गेन ऑफ डे होता है। ईस्ट से वेस्ट में जाने पर गेन ऑफ डे होता है, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट लूजेस अ डे। यहां पर जो है ये आप इस फिगर से, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये 180 डिग्री लाइन है और इसके अदर साइड में वहां पर जीरो डिग्री लाइन होगी, और जब जीरो डिग्री लाइन होगी तब यहां पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, यहां पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। लेकिन वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर अदर साइड में जाने पर भी तो वही रहेंगे, तो वो जब हम अदर साइड में जाएंगे तब ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो ये चक्कर है यहां पर, तो यहां वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। इससे आप लॉस और गेन ऑफ डे मत कैलकुलेट करिएगा। इसके लिए हमेशा याद रखिए कि जब हम ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो लॉस होगा, लॉस ऑफ डे। और जब वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो गेन ऑफ डे होगा, गेन ऑफ डे होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज लर्न कर ली। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था, जब लॉन्गिट्यूड में देखा था कि टाइम इंक्रीज होता है, ऐड होता है ईस्टवर्ड। वेस्ट से ईस्ट में जाने पर टाइम गेन होता है, ऐड होता है टाइम, और ईस्ट से वेस्ट में जाने पर टाइम रिड्यूस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, जब हम ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो लॉस ऑफ डे होगा, और जब हम वेस्ट से ईस्ट में आएंगे तो गेन ऑफ डे होगा। तो ये देखिए जिगजैग लाइन है। अब ये जो जिगजैग लाइन है इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यहां ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट आने पर,
वेस्ट टू ईस्ट आने पर गेन ऑफ डे होता है, यही अभी हमने बताया था, वेस्ट से ईस्ट आने पर गेन ऑफ डे होता है और ईस्ट टू वेस्ट जाने पर लॉस ऑफ डे होता है, लॉस ऑफ डे होता है, ईस्ट टू वेस्ट जाने पर लॉस ऑफ डे होता है। तो मतलब अगर दो तारीख है ईस्ट में तो वेस्ट में जब जाएंगे तो एक ही तारीख होगी, दो तारीख है अगर ईस्ट में तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर वेस्ट है, वेस्ट में दो तारीख है तो यहाँ ईस्ट में तीन तारीख हो जाएगी। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन एशिया और अमेरिका को इंटरसेक्ट करती, मतलब बाइसेक्ट करती है, अलग अलग करती है, सेपरेट करती है, और एशिया और अमेरिका को सेपरेट करने के लिए एक ज्योग्राफिकल प्लेस है जिसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट फिजी और टोंगा आइलैंड का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग होते हुए बनाई जाती है, जिगजैग होते हुए गुजारी जाती है, ड्रॉ की जाती है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। तो बेरिंग स्ट्रेट देखिए, ये है अमेरिका, ये है एशिया, मतलब रशिया का पार्ट है, ये अलास्का का पार्ट है, तो यहाँ पर बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, तो इसीलिए इसको जिगजैग कर दिया है, मोड़ दिया है, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट में यहाँ पर पूरा टाइम एशिया का फॉलो होना चाहिए, यहाँ पर पूरा टाइम अमेरिका का फॉलो होना चाहिए, तो इस वजह से इसको करा गया। नहीं तो अगर सीधा सीधा ऐसे कर देते तो हो सकता कि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता कि यहाँ पर कौन सा डेट हो। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, ओशिनिया के पास माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सारे आइलैंड्स हैं। तो पॉलिनेशिया जो है अमेरिका के आइलैंड्स हैं, जैसे हवाई अमेरिका का आइलैंड्स है, ऐसे ही मार्शल आइलैंड्स जो हैं ये ब्रिटेन के, यूरोप के आइलैंड्स हैं, और ये मेलेनेशिया जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड्स हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आइलैंड्स हैं तो अलग अलग टाइम जोन भी होना चाहिए, तो अलग अलग टाइम जोन्स को डेवलप करने के लिए ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन्स है इस तरीके से ऐसे ऐसे ड्रॉ की गई है, जिगजैग कर्व। सम ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया फॉल ऑन ईदर ऑफ द डेट लाइन। सो इफ द डेट लाइन वॉज स्ट्रेट देन टू रीजन ऑफ द सेम आइलैंड कंट्री और आइलैंड ग्रुप वुड फॉल अंडर डिफरेंट डेट जोन्स। Thus, to avoid any confusion of date, this line is drawn through where the sea lies and not land. Hence, the international date line is drawn in a zigzag manner. ये है इंडिया। अब अगर इंडिया का टाइम हम देखें कि मान लीजिए कि GMT पर दोपहर का 12 बज रहा है तो इंडिया में 22.5 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा? इंडिया में 22.5 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 82 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 328 मिनट्स, और हाफ भी तो है, 1 डिग्री में 4 मिनट तो हाफ डिग्री में 2 मिनट, तो यहां पर 328 में 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 330 मिनट, और 330 को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो अगर दोपहर का 12 बज रहा है जीएमटी पर तो इंडिया में शाम का 5:30 बज रहा होगा। इस तरीके से इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ईस्ट वर्ल्ड है और ईस्ट वर्ल्ड में ईस्ट में होने की वजह से ऐड कर दिया गया है टाइम। ये जो टाइम है इंडिया का, नैनी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, तो नैनी प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के बॉर्डर पर है, तो इस एरिया से पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। केरला का भी टाइम यहीं से डिसाइड होगा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आसाम,
अरुणाचल प्रदेश, हर जगह का टाइम यहीं से डिसाइड होगा। चाय बागान टाइम, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि 90 डिग्री ईस्ट को भी एक टाइम जोन बना देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ये पहली बार नहीं है, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में चाय लेकर के आए, टी को लेकर के आए, तो उन्होंने टी को टी डेवलपर्स के लिए, टी कल्टीवेटर्स के लिए ये चाय बागान टाइम इंट्रोड्यूस किया और बहुत सालों तक ये इंडिया में रहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे ख़त्म कर दिया गया और 66 ईयर्स हो गए हैं अब इसे ख़त्म हुए, लेकिन अब फिर से ये डिमांड होने लगी है कि इसे फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए। The administration of the Indian state of Assam now wants to change its time zone back to Chai Bagan time to conserve energy and improve productivity. Indian government didn't accept to such a proposal. अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर ये नॉर्थ ईस्ट के वेलफेयर के लिए बना दिया जाए, कर दिया जाए। तो अभी इतना ही, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फियर के बारे में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आस्थेनोस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो अब एटमॉस्फियर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।